सबको जय यीशु। हम आज जीवन की रोटी यीशु मसीह के बारे में मनन चिंतन करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा संध्यावन के सुसमाचार के अध्याय 6 के 35 में, स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरा शरीर खाता और मेरा लहू पीता है वो दंडाज्ञा के अधीन है, वो दंडाज्ञा के अधीन रहकर प्रभु की कृपा और दया पाएगा। ईश्वर की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। हम सब प्रभु यीशु के पवित्र रोटी से बल ग्रहण करते हैं, शक्ति पाते हैं। स्वर्ग से उतरी हुई इस जीवन की रोटी को खाने के लिए, उसे ग्रहण करने के लिए शायद हम आतुर हैं या प्रभु यीशु आतुर हैं। आपने कभी सोचा कि जीवन की रोटी स्वीकार करने के लिए मेरा मन, मेरा हृदय, मेरा दिल कितना बेताब है, कितना तड़पता है? शायद हमसे ज़्यादा प्रभु यीशु तड़पता है भक्तों के हृदय में आने के लिए, भक्तों के शरीर रक्त को पोषित करने के लिए, हमारे जीवन को नया बना देने और उसे पालने, पोषने और बड़ा करने के लिए, और हमारे अंदर निवास कर पवित्रता की ओर ले जाने के लिए प्रभु यीशु हमसे ज़्यादा आतुर हैं, चिंतित हैं। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, क्योंकि उसने अपने प्रेम की निशानी स्वर्ग में जाने के पहले हमारे साथ छोड़ा। वो यह है कि रोटी के रूप में, पवित्र संस्कार के रूप में, पवित्र परम प्रसाद के रूप में मैं तुम्हारे साथ रहूँगा दुनिया के अंत तक। दुनिया के अंत तक मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगा, बल्कि दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, प्रभु यीशु कहता है। प्रभु यीशु ने अपना वचन निभाया, और कितने लोग इसे पहचानते हैं, कितने लोग बड़ी भक्ति श्रद्धा से इसे ग्रहण करते हैं। प्रिय विश्वासियों, मैं यह गुजारिश करना चाहूँगा कि पवित्र परम प्रसाद के प्रति हमारी भक्ति श्रद्धा बढ़ाइए, पवित्र संस्कार के प्रति, पवित्र परम प्रसाद के प्रति हमारी भावनाएं बदल दीजिए। हम किस पर नज़र लगाते हैं, प्रवचनों में, या फिर हम देखना चाहते हैं कि मेरे जीवन में चमत्कार हो जाए और दूसरों के जीवन में भी रोग मिट जाए, चंगाई मिल जाए, लोग इसी को देखने और इसी की कामना करते हुए कई जगहों पर जाते हैं, क्योंकि पवित्र वचन में शक्ति है, पवित्र वचन हमें पवित्र करता है और उसके साथ पवित्र वचन हमें चंगाई प्रदान करता है। लोगों की मिथ्या भावना शायद चंगाई के लिए है, जीवन में कुछ अच्छा होने के लिए, चमत्कार होने के लिए, और उसी के पीछे और उसी में लगे रहते हैं। मैं कहता हूँ विश्वासियों, हमारी नज़र, हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य पवित्र परम प्रसाद के प्रति हो। जब आप अपने जीवन को पवित्र संस्कार की ओर करते हैं, पवित्र संस्कार की ओर अभिमुख करते हैं, तब देखना प्रभु आपके साथ रहे। एम्माऊस के रास्ते में जाते हुए शिष्यों ने कहा प्रभु हमारे साथ रह जाइए। ध्यान दीजिए, एम्माऊस के रास्ते में जाते हुए प्रभु यीशु आगे जा रहे थे, लेकिन शिष्यों ने क्या बोला, प्रभु हमारे साथ रह जाइए। और आगे क्या हुआ, रोटियां जब तोड़े, रोटी तोड़ते समय वे प्रभु को पहचाना। यह स्थिति हमारे भी जीवन में हो, जब पवित्र परम प्रसाद की ओर हम अपने जीवन को अभिमुख करते हैं तो अवश्य प्रभु के दर्शन आ पाएंगे। मेरा कहने का मतलब यही है कि जब आप अपने जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य, मकसद जब प्रभु यीशु को, पवित्र संस्कार को, पवित्र परम प्रसाद को बनाते हो, जीवन सफल होगा, जीवन धन्य होगा। आप प्रवचनों में, साधनाओं में भाग लेकर अपने आप को प्रभु के चरणों पर उपस्थित करने की कोशिश करते हो, स्थापित करने की, प्रभु के भक्त स्थापित करने की जब आप कोशिश करते हो, और पवित्र परम प्रसाद के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति देना है उतनी श्रद्धा और भक्ति आप नहीं देते हो, तो शायद प्रभु की इच्छा पूरी नहीं करते हो, और जिसके चलते आप शायद प्रभु को समझने, प्रभु को पाने में असमर्थ भी हो जाओगे। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। आज के इस प्रवचन के द्वारा मैं आपको यही बताना चाहूँगा
कि जब हमारा उद्देश्य सही है, हमारी मकसद, हमारा लक्ष्य सही है, तो अवश्य प्रभु के दर्शन हम पाएंगे। स्तोत्र निंदकार कहता है उसके अध्याय 8:4 में, जब मैं तेरे बनाए हुए आकाश को देखता हूँ और तेरे द्वारा स्थापित तारों और चंद्रमा को, तो सोचता हूँ कि मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले। जब मैं तेरे इतने बनाए हुए मनोहर सुंदर इस पूरे ब्रह्मांड को देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले। आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। तूने उसे, आगे लिखा है उसके अनुवाक्य 6 में, तूने उसे स्वर्ग दूतों से कुछ ही छोटा बनाया और उसे महिमा तथा सम्मान का मुकुट पहनाया। तूने उसे स्वर्ग दूतों से कुछ ही छोटा बनाया और उसे महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया। जब इस वाक्य को मैं पढ़ता हूँ, इस वचन को जब मैं मनचिंतन का विषय बनाता हूँ, तो शायद पवित्र परम प्रसाद से पोषित होने का बड़ी कृपा, बड़ा वरदान प्रभु ईश्वर ने हमें प्रदान किया है, जिसके नाते यह वचन पूरा हो जाता है जहाँ लिखा हुआ कुछ ही छोटा बनाया, स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया। विचार विमर्श करना चाहूँगा आपसे, वो यह है, प्रभु के दूत परियां, स्वर्गदूत प्रभु के दर्शन करते हैं, स्वर्ग में वे प्रभु के मुख की दर्शन करते हैं और वे हालेलुया स्तुति गाते हैं परमपिता के सामने खड़े होकर। यह बहुत ही बड़ा वरदान है और हमें भी आशा है कि हम भी यही करेंगे। हम भी हमारी मृत्यु के बाद स्वर्ग राज में प्रभु के साथ महिमा गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। यह सम्मान हमें भी मिलने वाला। और स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया, क्या हम प्रभु के शरीर और रक्त ग्रहण नहीं करते? हाँ प्रियो भाइयों बहनों, हमें इस दुनिया में अब प्रभु यीशु के शरीर यानी कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो त्रित्व सम्मिलित है, हम उन्हें ग्रहण करते हैं इस दुनिया में, इस संसार में यहाँ। इसलिए स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बना दिया गया है और महिमा और सम्मान का मुकुट हमने पाया। कौन सी महिमा और कौन से सम्मान का मुकुट? पवित्र परम प्रसाद यानी कि प्रभु यीशु के शरीर और रक्त ग्रहण करने का बड़ा वरदान, महिमा और सम्मान का वो मुकुट प्रभु ने हमें पहनाया। कितने लोग इस महिमा को, इस सम्मान को स्वीकार करते हैं? कितने लोग इस महिमा और सम्मान को पहचानते हैं? कितने लोग इस महिमा और सम्मान पाने के लिए आतुर हैं, कोशिश करते हैं? प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, उसने हमें कुछ ही छोटा बनाया और महिमा, क्योंकि इसी के लिए हमारी सृष्टि हुई है। पिता परमेश्वर ने इंसान की सृष्टि इसलिए किया है कि महिमा और सम्मान का मुकुट प्रभु हमें पहनाना चाहता है और अंत तक प्रभु ईश्वर के साथ स्वर्ग राज में परमपिता की महिमा गाने हमें योग्य बना दिया है। हम हमारी मिसा बलिदान की प्रार्थना में यही करते हैं कि तूने हमें महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया और तेरे शरीर और लहू से हमें पोषित करता है। हम बारंबार मिसा बलिदान में इसके लिए धन्यवाद देते हैं। मिसा बलिदान का मतलब ही धन्यवाद का बलिदान हुआ। धन्यवाद अर्पित करना ही मिसा बलिदान का शाब्दिक अर्थ है। देख लीजिए ना, जब हम इस संस्कार को समझते हैं, जब हम इस संस्कार को भक्ति श्रद्धा के साथ ग्रहण करते हैं, जब इन बातों को, तूने मनुष्यों को ऐसा क्या देखा, स्वर्गदूतों से कुछ ही और महिमा और सम्मान का मुकुट क्यों पहनाया, जब आप भी स्तोत्र गंधकार के साथ एक मन तालमेल बनाए हुए हो, तो धन्यवाद का बलिदान यानी कि मिसा बलिदान चढ़ाने में योग्य बन जाओगे, समर्थ हो जाओगे। मैं चाहता हूँ हमारे विश्वासी, मुझे सुनने और देखने वाले आप पवित्र संस्कार की ओर बढ़े, पवित्र संस्कार के प्रेम में दृढ़ और मजबूत हो जाएं, क्योंकि यही सबसे बड़ी संस्कार है,
इस संस्कार में ही हमें मुक्ति मिलता है। और प्रभु यीशु ने कहा, अपने अंतकरण की जांच किए बिना जो मेरा शरीर खाता और लहू पीता है वो अवश्य दंडाज्ञा पाएगा। इसी कारण मैं कहना चाहूँगा हमारे विश्वासियों से कि विशेष महत्व इसको दीजिए, यानी कि पवित्र संस्कार को, पवित्र परम प्रसाद को विशेष महत्व दीजिए। जब आप पवित्र संस्कार को विशेष महत्व नहीं देते हैं, इसको परम प्रसाद कहते हैं, अपने परम स्थान जब मिसा बलिदान को आप नहीं देते हैं, अन्य सभी बातों में मैंने कहा ना, कुछ लोगों को आंतरिक अनुभूति होती है प्रभु यीशु की स्तुति आराधना करने में, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बड़ी भक्ति के साथ, तन्मयता के साथ, बड़े आनंद हर्षोल्लास के साथ वे प्रभु के गीत गाते हैं, भजन सुनाते हैं। मिसा बलिदान में क्या है, मिसा बलिदान तो फादर चढ़ाते हैं, हमें क्या करना। यदि आपके मनोभाव यह है, मिसा बलिदान पुरोहित हमारे लिए, हमारे साथ पुरोहित पूरे विश्वासी गणों के साथ मिलकर धन्यवाद का बलिदान पिता ईश्वर को चढ़ा रहा है, क्योंकि उसने हमें स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया और महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया। इस बात को समझते हुए, इस बात को ग्रहण करते हुए, इस बात को अपनाते हुए पुरोहित और विश्वासी मिलकर पिता ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान यानी कि पवित्र मिसा बलिदान चढ़ा रहा है। इसमें भाग लेते वक्त विशेष श्रद्धा और भक्ति आपको पवित्र संस्कार की ओर, पवित्र मिसा बलिदान की ओर बरतना है। जब विशेष महत्व आप इसको देते हो, प्रभु की कृपा और दया हमारे जीवन में हम पाएंगे। प्रभु यीशु ने कहा संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 के 48 में, अब पढ़ेंगे, इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारे स्वर्गीय पिता पूर्ण है। तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारे स्वर्गीय पिता पूर्ण है। पवित्र संस्कार, पवित्र परम प्रसाद हमें स्वर्गीय पिता की परिपूर्णता की ओर ले जाते हैं। भाइयों बहनों ध्यान दीजिए, जीवन में आप सब कुछ बढ़िया अच्छा करना चाहते हो और अच्छा होना चाहते हो और जीवन में सब कुछ बढ़िया सुंदर शालीन बनाना चाहते हो, तो आप पवित्र संस्कार को जीवन में महत्व देना शुरू करें, क्योंकि पवित्र संस्कार हमें पूर्णता की ओर ले चलता है। यदि आप पूर्ण बनना चाहते हो तो इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए, हमारे जीवन का दुख और निराशा, पीड़ा, रोग इत्यादि का कारण भी शायद यह है। प्रभु ने कहा, जो मेरा शरीर और मेरा रक्त बिना अंतकरण के जांच किए खाता पीता है वो अपने दंडाज्ञा बुला लेता है। पवित्र संस्कार को विशेष महत्व ना देने के कारण शायद हम प्रभु की दंडाज्ञा अपने जीवन में बुला लेते हैं। मैंने देखा, मैं अपने जीवन में अनुभव किया और हमारी नज़रों के सामने स्पष्ट है, कुछ लोग कभी सुधर नहीं सकते। जितना भी बोलो, कितना भी मौका उन्हें प्रदान करो, पूरे परिवार तालमेल नहीं है, ढीला है, कितनी बार बोलो समझता नहीं है। हम सोच रहे इनको हुआ क्या, पहले तो सही था, अब थोड़ा ढीला हो गया, कारण क्या है? शायद इसका कारण यह है, परिवार के मुखिया जब पवित्र संस्कार को अपने जीवन में उचित स्थान और महत्व नहीं देते हैं तो जीवन ढीला हो जाएगा। तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारे स्वर्गीय पिता पूर्ण है। वो पूर्णता की ओर बढ़ नहीं पाते हैं, बल्कि अपने जीवन को और भी ढीले कर देते हैं, अपने जीवन को और भी दुखी बना देते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, लोग तुमसे क्या कहते हैं उसे सुनो, पर उनके कर्मों का अनुसरण ना करो। आप पढ़ेंगे संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 23 में, शास्त्री और फरीसी तुमसे जो कुछ कहते हैं उसे करो और परंतु उनके कर्मों का अनुसरण ना करो, क्योंकि वे
कहते तो हैं पर करते नहीं हैं। वे कहते तो हैं पर करते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वे धर्म को पढ़ाते सिखाते समझाते हैं, धर्म के बारे में शिक्षा देते हैं, पर उनका पालन नहीं करते। हम भले ही मिसा बलिदान में रोज भाग लेते हैं, भले ही मिसा बलिदान की ओर हमारी श्रद्धा और भक्ति है, एक दिन भी नहीं छूटता है। कुछ लोगों को मैंने सुना है, मैं रोज पवित्र परमसाद ग्रहण करता हूँ। लोग हमसे कहते हैं, रोज मैं ग्रहण करता हूँ, लेकिन जीवन में पवित्र परमप्रसाद के प्रति प्रेम भक्ति श्रद्धा कम होने के कारण वे कहते तो हैं पर करते नहीं। इस वचन हमारे जीवन में पूरी नहीं होती है। देख लीजिए, सोच लीजिए, विचार कीजिए। हम बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ करते भी हैं, पर जैसा करना है वैसे नहीं करते हैं। ऐसे हमारे जीवन में ना हो। विशेषकर पवित्र मिसा बलिदान में हम जो भाग लेते हैं, भक्ति और श्रद्धा बढ़ाना है। मेरा कहने का मतलब है, गीतों के माध्यम से हमारा हृदय दिल और दिमाग शायद इन्हीं के ऊपर मंडराते हैं और इन्हीं को ही मिसा बलिदान का महत्व और मिसा बलिदान का भाग हम मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह के शरीर और रक्त जब पुरोहित उठाते हैं तो शायद हमको इतनी श्रद्धा और भक्ति अनुभव नहीं होता है। मैंने देखा कुछ लोग बस कर देते, हो गया, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। हमारे जीवन में श्रद्धा भक्ति पवित्र परम प्रसाद की ओर कीजिए, जीवन बदलेगा, जीवन में नयापन पनपेगा। और जैसे आपने सुना, पूर्ण बनो जैसे तुम्हारे स्वर्गीय पिता पूर्ण है, वो पूर्णता की ओर आप आगे बढ़ेंगे। प्रभु यीशु ने कहा, कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा उसे आकर्षित ना करे। जब तक कि पिता जिसने तुम्हें बुलाया वो आकर्षित ना करे, तब तक कोई मेरे पास नहीं आ सकता। मिसा बलिदान में भाग लेने वाले आप हर एक को इस बात पर विचार करने की ज़रूरत है, गौर से विचार करने की ज़रूरत है। क्या मैं जब मिसा बलिदान में जाता हूँ तो मिसा बलिदान रोज भाग लेने से, पवित्र शरीर और लहू खाने और पीने से हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा? क्या इसलिए जाते हो मिसा बलिदान में? क्या अनुग्रह पाने के खातिर आप प्रभु के शरीर और लहू खाते पीते हो? गलत है, शायद सही नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वे कहते तो हैं पर करते नहीं। प्रभु यीशु शास्त्रियों और फरीसियों को देखकर जैसा बोला वैसे हमारे साथ भी बोलेंगे। वे कहते तो बहुत कुछ है पर करते कम है। यदि अनुग्रह पाने के लिए, आशीष पाने के लिए ही हम पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, प्रभु के शरीर और रक्त खाते पीते हैं, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं इसीलिए इस प्रवचन को विशेषकर पवित्र संस्कार के महत्व को समझाना उचित समझता हूँ। जब प्रभु यीशु के शरीर और लहू जब खाते पीते हैं, जितनी भक्ति और श्रद्धा तन्मयता हम इसको नहीं देते हैं, तो वो ये संस्कार है, बस ये रोटी है। जब रोटी में उपस्थित प्रभु यीशु, यानी कि जीवित प्रभु यीशु मानव मनुष्य बन गया था, प्रभु यीशु कोई रोटी नहीं है, प्रभु यीशु बस एक संस्कार नहीं है। ध्यान दीजिए प्रिय भाइयों बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह व्यक्ति 2000 वर्ष पहले इसराइल में जन्मे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह व्यक्ति को जब आप इस रोटी में नहीं पाते हैं, तब बस संस्कार ही है, इनमें बस महत्व इतना ही है, बस आप अपने जीवन को इसके लिए अर्पित करने के लिए आतुर भी नहीं रहेंगे। जब आप ईसा मसीह व्यक्ति, पवित्र मिसा बलिदान ईसा मसीह व्यक्तित्व की ओर बढ़ाता है हमें। ध्यान दीजिए, पवित्र मिसा बलिदान हमें ईसा मसीह के व्यक्तित्व की ओर, वो व्यक्ति जो हमारे लिए
निवास स्थान का प्रबंध करने चला गया और वो दोबारा जो आएंगे उस व्यक्तित्व की ओर बढ़ना है। मुझे सुनने वाले प्रिय विश्वासियों, विशेषकर ध्यान दीजिए कि पवित्र मिसा बलिदान में हम प्रभु येसु मसीह के व्यक्तित्व की ओर बढ़ते हैं। यह ना केवल रोटी और संस्कार ही नहीं बल्कि येसु मसीह व्यक्ति है। जब पुरोहित धर्मसंघी भाई बहने विश्वासी गण येसु मसीह के व्यक्तित्व की ओर उस व्यक्ति की ओर बढ़ते हैं, जीवन सुखमय शांतिमय सफल बनेगा। उसने हमें स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया और महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया। वे देख पाएंगे जो येसु मसीह व्यक्ति की ओर पवित्र परमप्रसाद में पाते हैं। आइए हम विशेष महत्व अपने जीवन में पवित्र परम प्रसाद को देंगे। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमारे साथ सदा के लिए रहने के लिए उसने पवित्र संस्कार की स्थापना की और मैं स्वयं प्रभु येसु मसीह के शरीर और रक्त को खाता हूँ पीता हूँ, जिसके चलते मैं एक येसु मसीह बन जाता हूँ, उसके येसु मसीह के व्यक्तित्व को ग्रहण करता हूँ। हे प्रभु येसु, हमें ऐसी कृपा प्रदान कीजिए। हे माँ मरी, हम प्रार्थना करते हैं तूने अपने कोख में जिसे पाला पोषा बढ़ाया उस व्यक्तित्व की ओर बढ़ने की कृपा हमको दीजिए। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं तू अपने पुत्र हमारे प्रभु येसु मसीह को मानव शरीर रक्त लेकर भेजा था, उस व्यक्ति की ओर बढ़ने की कृपा हमारे विश्वासियों को तू प्रदान करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें ताकि पवित्र संस्कार में उपस्थित प्रभु येसु को आप देख सकें, उस व्यक्तित्व की ओर आप बढ़ सकें जिसे आप पूर्ण बने जैसे हमारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। पिता परमेश्वर की आशीष और शांति आपके साथ रहे। सबको जय येसु।